मेम साहब, ये आपका बेटा तो यहाँ। मम्मी आप यहाँ और ये डिलीवरी का काम पापा के साथ, ये सब क्या है? अरे ये सब छोड़, तू ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ बेटे, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी ये हमारा ही फ्लैट है और ये और मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए क्योंकि इनका ऑफिस का काम यहाँ से पास पड़ता है और हम अगले 2-3 महीने यही रहने वाले हैं। मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगी बट मेरे दिमाग से स्किप हो गया। अब बात क्यों चेंज करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ये क्या डिलीवरी का काम क्या कर रही हो ये सब? हाँ बेटा, अब मैं डिलीवरी का काम करने लग गई। डिलीवरी का काम कर रहे हो वो भी पापा को साथ लेकर? पापा को कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्या है ये सब? मम्मी बेटा तेरे पापा अकेले क्या करेंगे घर पे, इसीलिए मैं इनको साथ रखती हूँ। तुझे पता तो है ही है घर पे इनका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। वो सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि आपको ये डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है? आपकी तो इतनी अच्छी खासी नौकरी थी, इतनी अच्छी खासी सैलरी थी, तो फिर ये काम क्यों? अरे बेटा वो सब छोड़ ना, बहुत लंबी कहानी है, ये ऑर्डर पकड़ तू। मुझे सच जानना है, मुझे बात बताओ कि क्या है? दामाद जी घर पे हैं। हाँ है, तो क्या हो गया? दामाद जी को इन बातों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, उनके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी ना, फिर कभी तुझे आराम से बताऊंगी। अरे ऐसी भी क्या बात है जो मुझे पता नहीं चलनी चाहिए। मम्मी जी आप, मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा जी नमस्ते, कैसे हो आप दोनों? अच्छा अपनी बेटी से मिलने आए आप दोनों? हाँ बेटा, हम दोनों कोमल से ही मिलने आए थे। मम्मी झूठ बोल रही है, उससे मिलने नहीं आई है बल्कि तो डिलीवरी का काम करने आई है और मेरा पार्सल देने आई है। डिलीवरी का काम कर रहे हैं लेकिन क्यों? मम्मी जी आपकी तो अच्छी खासी नौकरी थी ना, आपको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई है? आप मुझे बताएंगी प्लीज, बताइए तो सही। दरअसल दामाद जी वो मेरी जॉब छोड़ गई। क्या आपकी नौकरी चले गई? वैसे कब गई आपकी नौकरी, बताएंगे आप? बेटा करीबन 6 महीने हो गए। क्या 6 महीने पहले आपकी जॉब छूटी थी और आपने मुझे अभी तक नहीं बताया? अरे बेटा क्या बताती, अगर मैं तुम दोनों को बताती तो तुम दोनों परेशान हो जाते ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे परेशान हो, बस इसीलिए नहीं बताया। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, आपकी बेटी और दामाद के होते हुए आप ये काम करेंगी वो भी इस उम्र में? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए दर बदर भटक के, और हमारा फर्ज बनता है कि हम आप लोगों की सेवा करें। ठीक है जो हुआ सो हुआ, आपकी नौकरी चले गई आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, ठीक है उस बात को जाने देते हैं, लेकिन अब से आप हमारे घर में रहेंगे बस, हम तो ये बात जानते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको क्या जरूरत है ये सब काम करने की, आप हमारे साथ रहो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका ख्याल रखूंगी। अरे दामाद जी अभी कैसी बात कर रहे हो, हम दोनों आपके ऊपर बोझ कैसे बन सकते हैं, और दुनिया हमारा मजाक बनाएगी कि कैसे लोग हैं जो अपने दामाद के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हाँ बेटा मैं और तेरे पापा ही तो हैं, इस काम से हम दोनों का खर्चा आराम से चल जाता है, तू टेंशन मत ले। और वैसे भी बेटा हम दो जने क्या ही खर्च कर लेंगे, इसमें तो हमारे पैसे बच भी जाते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमें लोगों से और समाज से लेना देना क्या है, हमें तो इस चीज से लेना देना है कि आपकी हालत क्या है, आपके हालात कैसे हैं। मैं आपको अपने माता पिताजी की तरह समझता हूँ, जब मैं अपने माता पिताजी को इस हाल में नहीं छोड़ सकता बुढ़ापे में, तो आपको कैसे छोड़ दूं, आप ही बताएं मुझे। और वैसे भी ये आपकी बेटी है, अगर आपका कोई बेटा नहीं है तो आपकी बेटी का फर्ज बनता है कि वो आपकी सेवा करे, और क्या मैं आपके बेटे की तरह नहीं हूँ, मैं दामाद हूँ आपका, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सेवा करूँ, लेकिन आप लोग शायद मुझे अपना नहीं समझते हैं, समाज की बहकावे में आके आप अपने दामाद से बैठ ले रहे हैं। अरे आपका घर है, जब मर्जी चाहे आ सकते हैं, जितने मर्जी दिन यहाँ रह सकते हैं, और वो भी हक के साथ। हाँ माँ मैं जानती हूँ कि आपका बेटा नहीं है, बट आपकी बेटी तो है, और मेरा फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में जब आपको जरूरत पड़े तो मैं आपका सहारा बनूं। क्या फायदा हमारे पास इतना पैसा होने का जब हमारे ही माँ बाप ऐसे बेघर सड़कों पे भटकेंगे, क्या फायदा उस पैसे का? देखिए बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, सीधे और साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से, अगर आप लोग हमारे साथ नहीं रह सकते हैं तो इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि आप लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं, और जब आप लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं तो फिर काहे का रिश्ता, हमारे सारे रिश्ते खत्म। हाँ अगर आप लोग हमारे साथ नहीं रहोगे ना तो फिर आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, तुम दोनों तो हमारे अपने हो, तुम दोनों में तो मेरी जान बसती है, और वैसे भी हम दोनों का इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा है ही कौन। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप लोग हमारे घर में रहेंगे बस। ठीक है बेटा हम दोनों अंदर आते हैं, चलिए जी। कोमल अंदर ले गया, चलो। हाँ।